हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज एक्सेप्शन क्वेश्चन के सीरीज में एचसीएफ एंड एलसीएम लेकर उपस्थित हूँ। ठीक है, अपवाद क्वेश्चन को हल करना हम सीखेंगे। यहाँ हम सीखेंगे अपवाद क्वेश्चन को हल करना। तो होता क्या है दोस्तों, एग्जाम में जो साधारण क्वेश्चन होते हैं, सिंपल क्वेश्चन होते हैं, सारे स्टूडेंट उसे अटेम्प्ट करते हैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का होता है, वैसे क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ते हैं। और वो जो ट्रिकी क्वेश्चन छूटता है, उसी के कारण जो है बहुत सारे बच्चे का रिजल्ट अटकता है। ठीक है, तो जो अपवाद टाइप के क्वेश्चन हैं उससे जो अटेम्प्ट करेंगे, बनाएंगे। कुछ क्वेश्चन हर एग्जाम में होते हैं, हर मैथमेटिक्स होते हैं, दो चार पाँच, वैसे तो वैसे क्वेश्चन को बनाने के लिए सीखना है। तो आज हम एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन को हल करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। कह रहा, दो संख्याओं का एचसीएफ भाग विधि द्वारा निकाला जाता है, जिसके भागफल क्रमशः 4, 5 एवं 6 होता है। यदि संख्याओं का एचसीएफ 18 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आप इसको हल कैसे कीजिएगा? तो ट्रिकी मेथड से हम बताते हैं कि यहाँ 4, 5, 6 है। इसको मान लेते हैं कि जो शेष है ए, बी और सी है। तो यहाँ पे आप एक छोटा सा ट्रिक देख सकते हैं कि छोटी संख्या, दो संख्या ना, इसमें छोटी संख्या निकालने का ट्रिक हम बता रहे हैं कि छोटी संख्या निकालने का ट्रिक ये होता है कि आप क्या कीजिएगा, बी गुने सी, इसमें +1 करके एचसीएफ जो दिया हुआ है वो गुना आप यदि कर देते हैं तो आपका छोटी संख्या निकल जाएगा। तो ध्यान रखना है, तो बी गुने सी करते हैं, तो बी गुने सी, तो बी कितना है, 5 और 6, 5 गुने 6 +1 गुने एचसीएफ 18 है। तो देखिए आप, 6 5 30, 1 31 गुने 18, तो गुना कर लिया, 18 * 54, 540, और एक बार 18 और गुना करेंगे तो 540, 18 558 हो जाएगा। हमारा छोटी संख्या निकल गया है। अब हम बड़ी संख्या निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए ट्रिक ये होता है कि जब तक छोटी संख्या नहीं निकलेगा, बड़ी संख्या का ट्रिक इसीलिए यहाँ पर डिस्कस नहीं किए थे। तो अब देखना पहला भागफल, तो पहला भागफल 4 है, पहला भागफल गुने, पहला भागफल गुने छोटी संख्या, यहाँ पे छोटी संख्या प्लस अंतिम भागफल, अंतिम भागफल गुने एचसीएफ। इतना करने पे आपकी बड़ी संख्या निकल जाएगा। तो देखना है, पहला भागफल 4 है, छोटी संख्या निकला है 558 प्लस अब है अंतिम संख्या 6 है और एचसीएफ आपका कितना था, 18 था। अब ये कैलकुलेशन करने के बाद आपको प्राप्त होगा, यहाँ ऑप्शन में देख लीजिए कि पहला 558 हुआ तो ये 340 प्राप्त हो जाएगा, ऑप्शन सी मिल रहा है, तो ये 340 प्राप्त हो जाएगा इस ट्रिक के माध्यम से। तो ये रहा आज का फर्स्ट एक्सेप्शन क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दो संख्याओं का युगफल 216 है तथा एचसीएफ 18 हो, तो ऐसे दो संख्याओं को कितने जोड़े संभव हैं? तो आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो दो ही संख्या है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्रिक यहाँ पे है कि दो संख्या एम प्लस एन जो हम निकालेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, योगफल बटा एचसीएफ, योगफल बटा एचसीएफ। तो योगफल बटा एचसीएफ करने पे हम सहभाजी संख्या का रिलेशन हम निकालना चाहते हैं, एम प्लस एन जो सहभाजी संख्या मानेंगे। तो 216 को आप क्या भाग करिए, 18 से भाग दीजिए, तो कितना बार में कट जाएगा, ये 12 बार में कटेगा। अब हमको ध्यान देना है कि एम प्लस वन बराबर 12 है, इसको सहभाजी संख्या के रूप में हम तोड़ेंगे। ठीक है, तो पहला क्या हो सकता है, 1 11, दूसरा क्या होगा 12 के एडिशन के लिए, 2 10, अगला क्या हो सकता है 3 और 9, इसके बाद अगला क्या हो सकता है 12 लाने के लिए, 4 और 8, अब 12 लाने के लिए फिर क्या हो सकता है, 5 और 7, उसके बाद 6 और 6। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान देना है कि अभाज्य सहभाज्य संख्या का हमको जोड़ा निकालना है। तो सबसे पहले सहअभाज्य संख्या जानना होगा कि होता क्या है। तो सहअभाज्य संख्या होता है जिसका एचसीएफ 1 हो। तो यहाँ 2 10 का एचसीएफ 2 होता है, ये नहीं सहभाज्य संख्या है, 1 11 का तो 1 ही होगा, तो यहाँ ये होगा सहभाज्य संख्या, इस पे टिकअप लगाते हैं। 3 9 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3, ये सहभाज्य संख्या नहीं है। 4 8 का 2
चार हो जाएगा, ये भी नहीं है, छः छः का एक। तो यहाँ ध्यान देना है, छः छः का तो जरूर एक होता है, बट इसको सहभाज्य संख्या के पेयर में नहीं रखेंगे, ठीक है। और सॉरी, छः छः का एक नहीं होता, हम ही गलत कर रहे हैं, छः छः का तो छः से भाग देंगे, छः एस होगा, सॉरी, ठीक है। तो सहभाज्य संख्या के लिए रिलेशन वही होता है जिसका एस एक हो। तो अब यहाँ देखिए कि अब 5 7 का जो है, जब हम एस निकालेंगे तो क्या आएगा, एक आएगा। तो ये दो संख्या जो है वो दो संख्या की जोड़े जोड़ा हो सकता है। तो ऐसी कितनी संभव संख्या है, उसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दो संख्याओं का अंतर 24 है तथा उनका एस 12 है, तो निम्नलिखित में ऐसी कौन सी संख्या होगी। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ना हम ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। तो ऐसी संख्या को ऑप्शन से जब सॉल्व करते हैं तो क्या करना है, दो, अब यहाँ पे देखिए जो भी संख्या है सबका अंतर आपका 24 मिल जाएगा, ठीक है। तो आंसर मिलना असंभव है, तो इसके लिए 12 से सबको भाग देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 और 12 72, फिर 12 से इसको देंगे तो 12 6 96, 12 देंगे 20 से, 72 84 बनमाठोतल से, और ये देंगे तो हो जाएगा 12 44 से, और ये कितना बार में कटेगा, 14 बार में, है ना। तो देखिए यहाँ सहभाज्य संख्या का पेयर ये हुआ, इसलिए आंसर ये होगा, बाकी सहभाज्य संख्या का पेयर नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका सी, बस इस तरह से बना लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल 3 3 8 है, यदि उसका एस सी एफ 18 हो, तो ऐसे दो संख्याओं के कितने जोड़े संभव है, तथा दोनों संख्या दो अंकों की हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। है तो ये चौथा क्वेश्चन, लेकिन इसमें दो क्वेश्चन इंक्लूड है, इसलिए दोनों का ऑप्शन मैंने बना दिया है। तो पहला काम है कि एम गुने एन सहभाज्य संख्या के लिए यहाँ पे हम निकालना चाहेंगे, तो गुणनफल बटा क्या हो जाएगा, एस सी एफ गुने एस सी एफ का स्क्वायर, ठीक है। तो 3 8 8 8 बटा 18 गुने 18 करेंगे तो ये काटेंगे, तो आपका काट के देख लीजिए, चलिए देखते हैं, 18 दूना 36, तो यहाँ से बच गया कितना, 2 18 3 54, अच्छा इसको भाग दे के देख लीजिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, चलिए इसको बना लेते हैं, डायरेक्ट काटने में दिक्कत हो रहा, तो 18 18 भागा 3 8 8 8, तो ये लग रहा है 2 बार में, है ना, 18 दूना 36, 8 में 6 गया 2, ठीक है, एक बार में लग जाएगा, तो ये बच जाएगा 108, तो 216 आया, 216 को अभी 18 से काटे थे, तो ये 12 आ रहा है, तो 12 आ रहा है, इसको थोड़ा से मिटा लेते हैं, अब देखना है कि एम एन का वैल्यू कितना आ जा रहा है, 12। अब हम 12 को तोड़ते हैं कि जिससे 12 आए, तो 1 गुने 12 एक पेयर बन सकता है, दूसरा क्या है, 3 गुने 4, ठीक है, यही दो पेयर बनेगा, तो संभव जोड़ा तो आपका निकल गया 2, ठीक है। अब संख्या है जो पूछा गया है, दो अंकों की संख्या होना चाहिए, तो दो अंकों की संख्या होना चाहिए, इससे कितना है, 18 है, तो यहाँ से हम 18 3 54 करते हैं, 18 74, इससे यदि निकालते हैं तो कितना होता है, 18 होता है, 18 गुने 12 जैसे ही करेंगे, ये दो अंक की संख्या ना रह के अधिक का हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हमको निष्कर्ष निकल पाता है कि 54 और 72 ही दो अंकों की संख्या है, इसलिए ऑप्शन 2 जोड़ा निकलेगा, और वो संख्या क्या होगा, 54 72 होगा, दूसरे क्वेश्चन के अनुसार। तो ये रहा आज का एलसीएम से रिलेटेड पहला एक्सेप्शन का भाग। तो अभी आज तो एससीएफ से हैं डिस्कस कर पाए हैं, तो अगली वीडियो में एलसीएम से रिलेटेड कुछ वीडियो रहेगा, और भी भाग बनेगा तो उससे भी रिलेटेड मैं लेकर आऊँगा, ठीक है। तो चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, ताकि आप ऐसे ही वीडियो को पाते रहें, और साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही साथ आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और वेबसाइट पर जाकर भी, generaledu.in वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है।